Okay, next topic is differentiation of implicit functions. ठीक है, दिस इज इम्प्लिसिट, ये लिखा हुआ है. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है? एक्सप्लिसिट फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन का जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये ठीक है, उसको इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है. अगर मान लिया हमने वाई एक तरफ लिखा हुआ है, बाकी सारे फंक्शन दूसरी तरफ लिखा हुआ है, तो वो एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गया. और अगर ऐसा नहीं है तो इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, तो ये तो क्या हो गया? एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गया. एक्सप्लिसिट फॉर्म, क्योंकि वाई एक तरफ है, वाई का कोई फंक्शन भी नहीं, केवल वाई, वाई स्क्वायर या वाई क्यूब भी नहीं चलेगा, केवल वाई एक तरफ है, बाकी सब एक्स का फंक्शन दूसरी तरफ है, तो ये तो क्या हो गया? एक्सप्लिसिट फॉर्म. अगर मान लिया मैं ऐसे लिख दूँ ई रेज टू पावर वाई प्लस टेन रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एट, तो इसमें तो क्या है, ये फॉर्म तो है नहीं. एक्सप्लिसिट फॉर्म के लिए हमने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे केवल वाई होना चाहिए और कुछ नहीं. तो ये जो है ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, ये ठीक है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म, क्योंकि इसमें एक्स और वाई मिला जुला के लिखा हुआ है, ये ठीक है. अच्छा, इम्प्लिसिट फॉर्म एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही हो जाएगा. जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन रेज़ एक्स को इधर ले गए तो ये आ गया. फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ एल एन ले लिया, दोनों तरफ एल एन ले लिया, तो उससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो एल एन ई रेज़ टू पावर वाई, वो तो वाई बचेगा, और राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, एल एन एट माइनस टेन रेज़ टू पावर एक्स, ये हो गया. अब ये फंक्शन और ये फंक्शन डिट्टो सेम है, एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल इसमें हमने थोड़ा इधर उधर करके दूसरे फॉर्म में लिख दिया है. फॉर्म अलग है, फंक्शन तो सेम ही है. फॉर्म भी इक्वेशन का फॉर्म अलग है, फंक्शन तो सेम है. अब ये जो है दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फॉर्म, ये ठीक है. कुछ ऐसे ही फंक्शन है कि जो एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते. जैसे मान लिया मैंने लिखा वाई क्यूब प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस ई रेज टू पर वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर फाइव, तो ये कौन सा फॉर्म है? इम्प्लिसिट फॉर्म है, ये ठीक है. अब इसमें से अगर मैं वाई निकालने की कोशिश करूँ तो वो नहीं निकलेगा, जैसे यहाँ तो मैनिपुलेट हो गया, तो यहाँ वो मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा, तो ये तो इम्प्लिसिट फॉर्म है और ऐसे ही रहेगा, मतलब एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्टेबल नहीं है. ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने डिफाइन किया कि इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या है और एक्सप्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या है. तो अभी तक तो जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे उसमें वाई एक तरफ था, बाकी सब दूसरी तरफ थे, ये ठीक है. तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या है कि इक्वेशन ऐसे एक्सप्रेस कर रखा है फिर डिफरेंशिएट करना है, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वही चेन रूल लग जाएगा. जैसे मान लिया अगर मैं बोलूं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और फंक्शन लिखते हैं ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एट, मान लें ये, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कुछ भी नहीं करो, डिफरेंशिएट इसको. ई रेज टू पावर वाई को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ई रेज टू पावर वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले ई का डिफरेंशिएशन हुआ, ई रेज टू पावर वाई का डिफरेंशिएशन, तो ई की वजह से तो सेम फंक्शन आ गया. फिर हम अंदर गए, आर्ग्यूमेंट में हमें क्या मिला? वाई. फिर हमने वाई को डिफरेंशिएट किया, तो वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर. तो अगर उसने बोला कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस्ट पर वाई, या फिर इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पर माइनस वाई, बस ये आंसर होगा. तो उसमें ऐसा कोई थ्योरी वगैरह अलग अलग नहीं है, बस अगर कोई वाई का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म जनरेट हो जाएगा. ये कहाँ से आ गया? ये भी कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, ये तो सिंपली चेन रूल है, चेन रूल ही लगाए. ई रेश व वाई में ई की वजह से तो पहले डिफरेंशिएशन में ई रेश व वाई आया, फिर जो अंदर वाई लिखा हुआ है पावर में उसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है,
एज सच तो हमने क्या बोला, इसमें कोई थ्योरी वेरी नहीं है, बस यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन फॉलोइंग केसेस। तो उसमें फर्स्ट आ गया मान लिया वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, करो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा। पहले तो ये तो एक्स रेज टू पावर एन की तरह डिफरेंशिएट होगा, तो वहाँ से तो आ जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है वाई का क्यूब, तो इस क्यूब की वजह से तो ये आ गया थ्री वाई स्क्वायर। फिर अंदर गए तो वाई को डिफरेंशिएट किया तो फिर कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स। वाई के डेरिवेटिव को ऐसे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव मतलब वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही कर रहे हैं बेसिकली। तो डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस्ट पर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। बस डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ छोड़ दिया तो याद आएगा ई रेस्ट पर एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई इस डी वाई बाई डी एक्स की वजह से कोफिशिएंट कितना आएगा वन, और इसकी वजह से थ्री वाई स्क्वायर, तो प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो है नहीं। मान लिया हमने दूसरा बोला टैन इनवर्स वाई क्यूब प्लस थ्री रेस्ट पर वाई इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर फाइव प्लस नाइन रेस्ट पर एक्स, मतलब ये है। तो आंसर क्या होगा, पहले टेन इनवर्स को डिफरेंशिएट किया तो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का काम कौन कर रहा है वाई क्यूब, तो इसका स्क्वायर इंटू अंदर गया वाई क्यूब को डिफरेंशिएट किया थ्री वाई स्क्वायर, फिर इंटू वाई को डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको हमने वाई डैश करके लिख दिया। डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं, प्लस थ्री रेस्ट ओवर वाई को डिफरेंशिएट किया तो ये ए रेस्ट ओवर वाई की तरह डिफरेंशिएशन होगा पहले, तो ए रेस्ट ओवर वाई इंटू एल एन ए। ठीक है, अब इसके आर्ग्यूमेंट में कितना है वाई, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो वाई डैश। अगर थ्री रेस्ट ओवर वाई को हम वाई की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें अगर, तब तो आंसर केवल इतना आएगा थ्री रेस्ट ओवर वाई इंटू एल एन थ्री। ठीक है, बट अगर हमने थ्री रेस्ट ओवर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फिर चेन रूल, पहले तो ये थ्री रेस्ट ओवर एक्स की तरह डिफरेंशिएट हो गया, फिर अंदर गए तो आर्ग्यूमेंट वाई मिला तो वाई का डेरिवेटिव अलग लिख दिया। दिस इज इक्वल टू एक्स रेस्ट ओवर फाइव का डेरिवेटिव फाइव टाइम्स एक्स रेस्ट ओवर फोर। ठीक है, प्लस नाइन रेस्ट ओवर एक्स का डेरिवेटिव फिर वही, अब इसको तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें कोई डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा। नाइन रेस्ट ओवर एक्स में पहले तो ए रेस्ट ओवर एक्स की तरह डिफरेंशिएट हुआ गया, हो गया ए रेस्ट ओवर एक्स इंटू एल एन ए। फिर अगर मैं बोलूँ ना ऊपर जाके एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा वन, तो एक वन और लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखो या ना लिखो। फिर इसमें कितना हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई रेस्ट पर सिक्स प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा थ्री रेस्ट बार वाई एल एन थ्री इंटू होल मल्टीप्लाइड विद वाई डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आ जाएगा फाइव एक्स रेस्ट पावर फोर प्लस नाइन रेस्ट पावर एक्स इंटू एल एन नाइन। अब यहाँ से अपने आप कर सकते हो वाई डैश इज इक्वल टू दिस, इसको उधर ले गए तो ये आंसर आ जाएगा, लिख लेना ये अपने आप, वेरी सिंपल। ठीक है,